बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज तलबा आज तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ एक नवे मौजू नाल और अज का साडा मौजू हैगा बड़ा ही मशहूर मरूफ यानी कि मैक्सवेल दियां मसावतां। मैक्सवेल इक्वेशन जिन्हां नूं अंग्रेजी च असीं कहिंदे आ इह हुंदियां की ने, देखो पहला नुक्ता मैं इत्थे लिखिया होया है इलैक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यह चार मसावतां दा सैट हुंदा है जिहड़ा इलैक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलैक्ट्रिसिटी ते मैग्नेटिज्म इन्हों दोनों नूं जदों असीं मिलाउंदे आ ते फिजिक्स की जिहड़ी शाख बनती है उन्हों इलैक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहिंदे आ। इह जिहड़ियां चार मसावतां ने इह इह फिजिक्स की इस शाख दे वजाहत करदियां ने। पहली मसावत जिहड़ी असीं अज डिस्कस कर रहे हैगे डेल डॉट बी, यह मसावत जिहड़ी है सानूं की दसदी है, असीं इहदे हिस्सों का अलग अलग मुशाहिदा करांगे। सब तो पहले मैं तुहानूं इह दसना चाहुंदा वां कि डेल जिहड़ा है आ जिहड़ा उल्टी मसावत अपना मुसलस हैगी है जिहदे उत्ते तीर दा निशान पाया होया मैं और अगले बन्ने एक नुक्ता है डॉट, जिहड़ा डेल डॉट है यह असल जाहिर करता है डिवर्जेंस नूं, डाइवर्जेंस नूं जी बिल्कुल। और बी जिहड़ा है वड्डा बी इह तां तुसीं जाणदे हो यह मैगनैटिक फील्ड की शिद्दत नूं जाहिर करता है। इन्हां दोवां दा जिहड़ा मिलाप है वह सिफर के बराबर है। इहदा की मतलब है इहनूं समझण वास्ते सब तो पहले मैं तुहानूं यह दसांगा कि डाइवर्जेंस जिहड़ी हुंदी है इहनूं समझण तों पहले सानूं वैक्टर फील्ड समझनी पएगी। वैक्टर फील्ड की मिसाल इस तरह ही है कि अगर तुहाडे कोल किसी भी वैक्टर क्वांटिटी मसलन फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, वो किसी जगह वो मुख्तलिफ कीमत हो और उन्होंने कीमतों को असी वैक्टर के नाल जाहिर किया हो, जिस तरह के मैं तुहाडी सहूलत वास्ते इत्थे किया होया है। फर्ज करो कि यह जी है साडे पिंड का नक्शा है, ठीक है, तो पिंड दे विच जिहड़ी हवा चल रही है वह हवा की वेलोसिटी को असी वैक्टर के नाल जाहिर किया होया। जिथे जिथे वैक्टर जिहड़े ने वड्डे ने उत्थे वैक्टर की जी कीमत ज्यादा हैगी है और तीर का निशान जिहड़ा है वह सिमत जाहिर कर रहे हैं। तो असी देखते हैं कि खब्बे जो सज्जे आ रही है यानी कि मशरक वाल नूं जांदे हुए हवा जिहड़ी हैगी है तेज हैगी है, तो अगे आ के की हुंदा है कि पिंड की जिहड़ी लहिंदी नुक्कर है उत्थे आ के हवा जिहड़ी है वह जनूब वाल नूं हो जाती है, लेकिन उहदी रफ्तार जिहड़ी है घट जाती क्योंकि तीर जिहड़े ने छोटे। लिहाजा वैक्टर फील्ड तो मुराद हैगा वा किसी भी वैक्टर मकदार के जिहड़े वैक्टर ने वो किसी जगह पर अगर इकट्ठे कर दिते जाण तो वह वैक्टर फील्ड कहलाउंदी है। जिदा कि असी वेलोसिटी के वैक्टर जिहड़े ने खास एक जगह के जिदा कि मैं तुहानूं दस्सिया कि मेरे पिंड का नक्शा है फर्ज कर लो, तो इहदे विच मैं हवा की जिहड़ी वेलोसिटी है वो वैक्टर मैं इत्थे सारयां नूं जाहिर किया होया तो यह बन गई एक वैक्टर फील्ड। हुण वैक्टर फील्ड की अगर तुम समझ लग गई है तो फिर तुम दसंगा कि डेल डॉट यानी कि डाइवर्जेंस का की मतलब है। देखो भाई गल ये है कोई भी जगह जिथे वैक्टर फील्ड मौजूद होवे उत्थे अगर असी कोई क्लोज्ड शेप लईए मसलन इस तरह का कोई दायरा लै लो तुसी, ठीक है, असी देखांगे कि उहदे विच उह जिहड़ी वैक्टर फील्ड जिहदे विच असी उह क्लोज्ड शेप लईए किन्ने वैक्टर उहदे विच दाखल हो रहे हैं ते किन्ने खारज हो रहे हैं। जी हाँ, अगर किसी क्लोज शेप के कोई वैक्टर जड़े ने सिर्फ दाखिल हो रहे हैं तो असं कहे कि उसकी डाइवर्जेंस जी है पॉजिटिव है, मुस्बत है, ज्यादा है सिफर नालों। अगर उस खारिज ज्यादा हो रहे होंगे तो फिर असं कहे कि उसकी डाइवर्जेंस जी है नैगेटिव है यानी कि मनफी है, और अगर जिन्ने दाखिल हो रहे हैं उन्ने खारिज हो रहे हो तो असं कहे कि डाइवर्जेंस जी सिफर हैगी। लिहाजा अगर मैं इतने एक वैक्टर जरा अपना क्लोज शेप लेना वा तो इतने की होगा कि डेल डॉट बी जरा डेल डॉट बी वो ग्रेटर दैन जीरो होगा, यानी कि होगा कि इतने क्योंकि सिर्फ वैक्टर दाखिल हो रहे हैं खारिज कोई हूं नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इतने डाइवर्जेंस पॉजिटिव हैगी है। ये मुकाबले अगर तुम देखो ए दरम्यान के मैं लै लिना तो इतने अगर मैं लिना फर्ज करो कोई वैक्टर फील्ड ऐडी ए देख रहे हो कि दाखिल तो कोई नहीं हो रहा खारिज हो रहे हैं, लिहाजा इतने की होगा जो डेल डॉट बी ए लैस दैन जीरो हो जाएगा मनफी हो जाएगा। और अगर मैं कोई ऐसी जगह लेना वा जिथे दाखिल भी हो रहे हैं तो खारिज भी हो रहे हैं तो उत्थे की होगा डेल डॉट बी जरा है वह सिफर के बराबर आ जाएगा। लो जी डाइवर्जेंस का जो मतलब पता लग गया है तो फिर असं अपनी असल मसावत जी वाल लाने
डेल डॉट बी का मतलब है कि किसी भी मैगनेट 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 जरा यानी कि मकनदीस जरा है वो रिलेटिड मैगनेटिक फील्ड होंगी है उस मैगनेटिक फील्ड को असं मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स में जाहिर करते हैं वो किसी भी नुकते पर मैगनेटिक फील्ड के किसी भी नुकते पर तुम कोई भी क्लोज शेप लै लो तो जिनी मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स दाखिल होनी खारिज होनगियां यानी वह डायवर्जन सिफर होएगा कभी भी वह डायवर्जन जरा सिफर तो ना वड होएगा ना घट होएगा ठीक है जी ए फर्ज करो मेरे को एक मैग्नेटिक है ये इर्द गिर्द मैगनेटिक फील्ड है मैं तुम्हें हम इतना दिखाना है मैग्नेटिक से इतों आगे मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है ठीक है जी ए साइडा सारी होंगे ये आके दाखिल हो रही है ठीक हो गया जी इस तरह यह सिर्फ मैं तुम्हें एक मुक्तसर जी मैगनेटिक फील्ड जाहिर कर रहा वहां ये तुम मजीद भी इन कॉम्प्लीकेट करके जाहिर कर सकते हो इस तरह इधरों निकल रही ने इधर आके दाखिल हो रही ने ये किसी भी नुकते पर किसी भी नुकते से कोई क्लोज शेप लै लो तो जिन्या मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स दाखिल होनिया ही खारिज हो लिहाजा असं कह सकते हैं कि मैगनेटिक फील्ड का डायवर्जन जो हमेशा है सिफर हों हूँ यदा तो तुम्हें पता लग गया लेकिन इस गल का नतीजा की है कि यह निचोड़ की है देखो जी निचोड़ जो सा आखिरी नुकता है वो यह है कि कितने भी किसी भी तरह का मैगनेटिक लै लो जिदा कि मैं लिया है अगर तुम ये दो टोटे करते हो तो यह मतलब नहीं होएगा कि नॉर्थ पोल लैदा हो जाए जितों मैगनेटिक फील्ड मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही ने तो साउथ पोल लैदा हो जाए जितने दाखिल हो रही है इदा कभी भी नहीं होएगा बल्कि अगर दो टोटे करोगे जिदा कि मैं कि नॉर्थ से साउथ पोल फिर उन्होंने दोवों पैदा हो जाएंगे यानी हमेशा यह होएगा कि मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलनगिया तो दाखिल होनगियां निकलनगियां तो दाखिल होनगियां यह नहीं हो सकता कि सिर्फ निकलन और दाखिल ना हो यानी किसी भी मकनातीस जरा है उसकी डायवर्जेंस हमेशा सिफर होती है कभी भी इस तरह नहीं देखा गया कायनात दे विच कि सिर्फ नॉर्थ पोल हो सीधा सिर्फ साउथ पोल हो वैसे तो कोई फिजिक्स की थ्यूरी इस चीज़ की ममानियत नहीं करती कि इदा नहीं होना चाहिए लेकिन अज तक असी एक भी ऐसी मिसाल नहीं दे सकते कि जिथे सिर्फ नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल होनी मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स सिर्फ निकल रही हो सिर्फ दाखिल हो रही हो हाँ दोवें सूरत होंगे निकलनगिया भी दाखिल भी होनगिया निकलनगिया भी दाखिल भी होनगिया तुम सोच रहे हो गए कि अगर असी इतने यानी यह जी जगह हैगी है इतने अगर असी क्लोज शेप लीए तो इतों तो सिर्फ मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल ही रही ने और अगर इतने लीए तो इतने सिर्फ दाखिल हो रही ने नहीं मैं मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स जहले जाहिर नहीं की ये दरअसल मकनदीस जो मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे ने यानी नॉर्थ पोल तो अगर निकल रही ने और साउथ पोल वाल अगर दाखिल हो रही ने तो अंदर अगर देखा जाए तो साउथ पोल वालों खारिज हो रही ने नॉर्थ पोल वालों दाखिल हो रही ने लिहाजा कितने भी तुम क्लोज शेप लै लो तो मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्स जीडिया ने हमेशा उन्होंने डायवर्जेंस सिफर होएगी यानी जिन्या लाइन उस क्लोज शेप दाखिल होनगियां उन्निया ही खारिज होनगियां लिहाजा डेल डॉट बी जरा हमेशा वास्ते सिफर मनिया जाता है और सिफर ही मुशाहिदा किया जाता है हाँ अगर कोई दोस्त एक काम कर दे कि वह कोई मोनोपोल जड़ा है यानी सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल जरा तलाश कर ले तो मैं उन्होंने यकीन दिलाना कि उन्होंने नोबल प्राइज मिलेगा क्योंकि वह फिजिक्स की बुनियादा हिला देगा फिर एम असावाद जी गलत साबित हो सकती है लेकिन फिलहाल हाल की जी घड़ी है वो मसावाद दुरुस्त है और मैं उम्मीद करना कि तुम्हें बिल्कुल समझ लगी होएगी शुक्रिया।